पटना के जक्कनपुर थाना अंतर्गत गुप्त सूचना के आधार पर जक्कनपुर थाना अध्यक्ष ने छापेमारी किया। आपको बता दें कि जक्कनपुर थाना के प्रभारी को गुप्त सूचना मिली थी कि इंदिरापुर इलाके में चार युवक ब्राउन शुगर की बिक्री करते हैं। सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष ने एक टीम गठित की और अपने दल बल के साथ इंदिरापुर इलाके में छापेमारी शुरू की। पुलिस को देखते ही कुछ युवक इधर उधर भागने लगे, जिसे पुलिस ने घेर कर चार युवकों को पकड़कर जांच के द्वारा उनके पास से ब्राउन शुगर बरामद किया। बरामद ब्राउन शुगर की कीमत लगभग 50 लाख रुपये बताया जा रहा है, जिसके बाद पुलिस गिरफ्तार युवकों को थाना ले जाकर पूछताछ कर रही है। पटना से दीपक कुमार की रिपोर्ट। आज जो है जक्कनपुर थाना अंतर्गत एक गुप्त सूचना के आधार पर जो है छापेमारी की गई। इसमें जो है इंदिरा नगर शिव पार्वती हॉल के पास चौधरी भवन में करीमन उर्फ राजेश यादव की जो है तलाशी ली गई। उसमें जो है उनके पास हमारे यहाँ 99.4 ग्राम के एक पैकेट, दूसरा 59.4 ग्राम का दूसरा पैकेट, उसके बाद 110 पुड़िया जो है जिसमें तकरीबन हाफ हाफ ग्राम के जो है पैकेट छोटे छोटे बनाए गए हैं वो जो है पकड़ाए। उनसे पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि ये ब्राउन शुगर है। उसके बाद जो है उनके पास से पैकेजिंग करने की एक वेइंग मशीन भी है, एक टेप मशीन भी है, और उनके पास बाइक और कुछ जो मोबाइल्स हैं वो बरामद हुए। फिर उसके बाद जो है उनकी निशानदेही पर जो है हम लोग एक पांचवे अभियुक्त जो है मिथिलेश कुमार, इनको पोस्टर पार्क चौराहा से जो है इनकी विधिवत तलाशी लेने के बाद जो है इनके पास से 100 पुड़िया जो है ब्राउन शुगर जो है उसमें बरामद हुआ है, और इनके पास से जो है एक सोने की चेन है और बाइक है और मोबाइल फोन जो है बरामद। ये जो है एक एतबारपुर के हैं, एक बिहटा के हैं। इनकी गिरफ्तारी जो हुई है, जो चार लोग हैं करीमन, सोनू, गणेश, संतोष, इनका जो है इंदिरा नगर है शिव पार्वती हॉल जो पहले ही बताया मैंने, उसके बाद इनकी निशानदेही पर जो है इनके द्वारा बताया गया कि मिथिलेश कुमार जो है ये सामान लेते हैं। कितने सालों से ये धंधा करते हैं? अभी जो है पूछताछ में जो बातें आई हैं इनके द्वारा, अभी जो बात आ रही है, इन्होंने बोला कि अभी हम लोग इसमें आए हैं, लेकिन ये जो करीमन है, ये जो मेन अभियुक्त है, ये कई थानों में जो है ये वांटेड भी है। तमाम जो है इनकी जो है पूछताछ की जा रही है, और आगे जो भी इनका जो सोर्स है, जो बैकवर्ड लिंकिंग है, वो हम लोग डेवलप कर रहे हैं। एक बैकवर्ड लिंकिंग जो डेवलप हुई जिसमें मिथिलेश कुमार की दूसरी गिरफ्तारी, दूसरे जगह पर जो है गिरफ्तारी हुई है, आगे भी हम लोग इसमें बैकवर्ड लिंकिंग डेवलप कर रहे हैं। कीमत के मुझे जो है कोई आइडिया नहीं है, पर जो भी ग्राम्स है, जो वजन है और जो पुड़िया है, वो जो पकड़ाए हैं वो आपके सामने आते हैं।